नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी का यह खास इनिशिएटिव फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स में। टारगेट हमारा सीजीपीएससी का आने वाला प्रारंभिक परीक्षा, जिसके मद्देनजर यहां पर हम लोग कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज कर रहे हैं। आज तक आपका शेड्यूल किस प्रकार से चल रहा था? सुबह 8 बजे आप लोग इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस कर रहे थे, शाम को 5 बजे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और रात को 8 बजे आप लोग सीजीजीएस के यहाँ पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे थे। आज शनिवार है, तो आज हमारा इस शेड्यूल का आखिरी दिन है। मंडे से शेड्यूल चेंज हो जाएगा, यानी कि सुबह 8 बजे भी आपको कुछ नए सब्जेक्ट्स मिलेंगे। आज नेशनल करंट अफेयर वाला भी लास्ट वीडियो होगा, आपको मंडे से कुछ और वीडियोस मिलेंगे और रात को 8 बजे भी कुछ और वीडियोस मिलेंगे। हाँ, सीजीजीएस का आज एक वीडियो मिलेगा, एक वीडियो और आपका बच जाता है, क्योंकि बीच में एक दिन आपका वीडियो नहीं मिल पाया था, तो हो सकता है मंडे को वो वीडियो आपका आखिरी हो। और किस प्रकार से अब मंडे से आपका शेड्यूल होगा, वो कल आप लोगों को यूट्यूब लाइव सेशन में बता दिया जाएगा। और यूट्यूब लाइव सेशन कल 5 बजे होगा, यहाँ पर कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे, आप लोगों के कुछ मन में जो डाउट चल रहा है वो भी चैट करेंगे। तो कल यूट्यूब लाइव सेशन में मिलेंगे 5 बजे। और जैसा कि मैंने बोला था कि आप लोगों को 3000 क्वेश्चंस का जो टेस्ट सीरीज है वो वेबसाइट पे अवेलेबल करवा दिया गया है, उन लोगों के लिए जो 2 फरवरी को फ्री में मेगा टेस्ट होने वाला है उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया हो। तो अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है FTR मेगा टेस्ट के लिए, तो 25 जनवरी 2020 आपका आखिरी डेट है रजिस्ट्रेशन के लिए, बिल्कुल मुफ्त में है। 6000 क्रॉस कर चुका है रजिस्ट्रेशन, यानी कि मानकर चलो कि आपको यहाँ 7 से 8 हजार बच्चों के बीच में बैठकर एक अनुभव लेने का मौका मिलेगा कि किस तरह से प्रारंभिक परीक्षा होता है, खासकर नए बच्चों के लिए। और आपको उतने लोगों के बीच में रैंकिंग भी मिल रहा है, तो आप लोग एक बार उस मेगा टेस्ट से रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर विजिट करके वहां पर कर लीजिए। और उस 3000 क्वेश्चंस का जो टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए बिल्कुल मुफ्त में अवेलेबल करवाया गया, उसको अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। और जो आपको टेलीग्राम पे 50 क्वेश्चंस अवेलेबल करवाए जा रहे थे, वो सारे क्वेश्चंस उस 3000 क्वेश्चंस के टेस्ट सीरीज में है। तो टेलीग्राम पे अब आपको 50 क्वेश्चंस का सेट आज से नहीं दिया जाएगा, अब वेबसाइट पर जाइए, उस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कीजिए। क्योंकि आपको वहां पर टेलीग्राम पे दिया जा रहा था सिर्फ क्वेश्चंस दिए जा रहे थे, लेकिन वेबसाइट पे आपको क्वेश्चंस के साथ साथ वहां पर आप सॉल्व करोगे तो वहां पर रैंकिंग भी मिलेगा। जितने भी बच्चे टेस्ट दे रहे हैं उनके बीच में आपको वहां पर रैंकिंग मिल रहा है, तो उन सब सारी चीजों को वहां पर जाकर आप बेहतर तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज का हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड और स्पोर्ट्स पर्सनालिटी से रिलेटेड, जैसा मैंने बोला था, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को करवाना है। क्वेश्चंस इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि आपको क्वेश्चन टफ लगेगा, लेकिन एक क्वेश्चन में मैं यहाँ पर 5 से 6 या उससे भी ज्यादा क्वेश्चंस करवाने की कोशिश किया हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पर आपके लिए जो पहला क्वेश्चन है वो है फीफा बेस्ट अवार्ड 2019 के संदर्भ में सत्य कथनों का चयन करें। स्टेटमेंट नंबर 1 कहता है सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, स्टेटमेंट नंबर 2 है सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी मेगन रैपिनो, और स्टेटमेंट नंबर 3 है सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर एलिसन बेकर। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन समाहित किया गया है। तो अगर क्वेश्चन आसपास में भी पूछा जाता है तो आपसे बनना चाहिए। तो इसके बाद आप इस स्टेटमेंट तीनों को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, यानी कि सत्य कथन का चयन करने के लिए कहा गया है। ऑप्शन आपके सामने 2 और 3, 1 और 3, केवल 2 या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब, चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो जो स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा फीफा बेस्ट अवार्ड 2019 के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का जो अवार्ड है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को नहीं मिला है, लियोनल मेसी को मिला है। तो पहला ही स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। लियोनल मेसी की बात करें हम लोग, तो फीफा बेस्ट प्लेयर के अवार्ड से सम्मानित लियोनल मेसी 6वीं बार सम्मानित किए गए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी अब तक 5 बार जो है फीफा बेस्ट प्लेयर के अवार्ड से सम्मानित किया जा चुके हैं। तो लियोनल मेसी जो है अर्जेंटीना से खेलते हैं और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है पुर्तगाल से खेलते हैं। तो दोनों के बारे में याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का सबसे ज्यादा खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं लियोनल मेसी। तो पहला स्टेटमेंट हमारे पास गलत था। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड मिला है मेगन रैपिनो को, जो कि अमेरिका की महिला खिलाड़ी है, और सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर का अवार्ड मिला है एलिसन बेकर को, जो कि ब्राजील के खिलाड़ी है। तो यहां पर हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 और 3 सही है, और पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर गलत है। अब यहाँ पर आप लोग
ये भी सोच रहे होंगे कि प्रीलिम्स में या फिर सीजीपीएससी में कभी भी इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछता, ये सच है, लेकिन मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट में क्वेश्चन इसलिए करवाया है ताकि आप एक क्वेश्चन के जरिए उसके अंदर बहुत सारे एक्सप्लेनेशन को ढूंढ सको या बहुत सारे क्वेश्चन तैयार कर सको। इसलिए यहाँ पर देखिए आपसे तीन क्वेश्चन तैयार हो गया ना फीफा बेस्ट अवार्ड 2019 से, तो इसीलिए स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम 2019 के संदर्भ में सत्य कथनों का चयन करें। ग्रैंड स्लैम की बात किया गया, यहां पर चार स्टेटमेंट आपके सामने है। पहला स्टेटमेंट है, ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता, यूएस ओपन पुरुष का खिताब राफेल नडाल ने जीता। तीसरा स्टेटमेंट है, विंबलडन पुरुष का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता और फ्रेंच ओपन पुरुष का खिताब राफेल नडाल ने जीता। चार स्टेटमेंट है, चारों बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ग्रैंड स्लैम टेनिस से जुड़ा हुआ, ग्रैंड स्लैम आप लोगों को पता है कि टेनिस से जुड़ा हुआ खेल है, और ग्रैंड स्लैम टोटल कितने होते हैं, चार ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें से सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है आपका विंबलडन, उसके बाद आ जाता है आपका सेकंड नंबर पे आ जाता है यूएस ओपन, थर्ड नंबर पे आ जाता है फ्रेंच, और चौथे नंबर पे आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। चारों यहाँ पर जो ग्रैंड स्लैम से दिया गया है आपका स्टेटमेंट, ये चारों आपका सही बैठता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष का खिताब जो है नोवाक जोकोविच ने जीता था, अगर महिला एकल की अगर हम लोग बात करें तो ये जीता था नाओमी ओसाका ने। महिला एकल का भी नाम बताते मैं जाता हूँ, धीरे धीरे सुनते जाइएगा, चारों ग्रैंड स्लैम को आप लोग कर जाइएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चंस हर साल बनते हैं। तो यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे थे, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन की। ऑस्ट्रेलिया ओपन में यहाँ पर पुरुष का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता जो कि सर्बिया के खिलाड़ी है, और महिला ओपन का नाओमी ओसाका ने जीता। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्रेंच ओपन की, तो फ्रेंच ओपन में पुरुष का खिताब राफेल नडाल ने जीता, स्पेन के खिलाड़ी हैं, और यहाँ पर महिला एकल का खिताब जीता एस्ले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। इसके बाद अगर हम लोग यूएस ओपन की बात करें तो यहाँ पर पुरुष एकल में जो खिताब जीता वो राफेल नडाल ने जीता, और यहाँ पर महिला जो खिताब है एकल का खिताब उन्होंने जीता बियांक एंड्रीस्कू जो कि कनाडा की रहने वाली हैं। अगर हम लोग विंबलडन की बात करें तो इसका जो खिताब है वो नोवाक जोकोविच पुरुष एकल में, और महिला एकल में सिमोना हालेन जो कि रोमानिया की रहने वाली हैं इन्होंने जीता। तो चारों ग्रैंड स्लैम के बारे में आप लोग यहां पर कर चाहिएगा, तो ये इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी अवार्ड 2019 के संदर्भ में सत्य कथनों का चयन करें। ठीक है, आईसीसी अवार्ड हाल ही में अनाउंसमेंट किया गया है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो आईसीसी अवार्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाने से अच्छा है यहाँ पर मैं स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करवा दूं ताकि सारा आईसीसी अवार्ड जो इंपॉर्टेंट है वो आपका कवर हो जाए। स्टेटमेंट नंबर एक है, क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स सामने आपका दिया हुआ है, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पैट कमिंस आपके सामने दिया हुआ है, ओडीआई यानी कि ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली, और फिर आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड रोहित शर्मा। तो बताइए चार स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। देखिए, क्रिकेटर ऑफ द ईयर इंग्लैंड क्रिकेटर बेन स्टोक्स को दिया गया है आईसीसी क्रिकेट ऑफ आईसीसी अवार्ड 2019 के अंतर्गत में, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर्स पैट कमिंस को दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है, ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर विराट कोहली को नहीं रोहित शर्मा को चुना गया है, तो इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट हमारा यहां पर गलत हो जाता है। चौथा स्टेटमेंट है, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड रोहित शर्मा को नहीं विराट कोहली को दिया गया है, तो इसीलिए चौथा स्टेटमेंट भी यहां पर गलत हो जाता है, यानी कि तीसरा और चौथा स्टेटमेंट आगे पीछे कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर आईसीसी अवार्ड 2019 के तहत रोहित शर्मा को चुना गया है, और आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड जो है विराट कोहली को दिया गया है, और क्रिकेट ऑफ द ईयर यानी कि ओवरऑल क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो का अवार्ड है वो इंग्लैंड का क्रिकेटर बेन स्टोक्स को दिया गया है। तो इस तरह से इस स्टेटमेंट में अगर आप कुट की तरफ आगे बढ़ोगे तो देखोगे कि आपका सी जो ऑप्शन है एक और दो वो सही हो जाता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ध्यान से करिएगा, यहाँ पर आपका चार से पांच प्रश्न आसानी से बन गए। ठीक, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का क्वेश्चन है, सही सुमेलित नहीं है। स्टेटमेंट नंबर एक है, बीसीसीआई पॉली उपरीगर अवार्ड 2018-19 जसप्रीत बुमराह,
सेकंड ऑप्शन है खेलो इंडिया 2020 का आयोजन असम के गुवाहाटी में। तीसरा स्टेटमेंट है भारत का पहला डे नाइट टेस्ट मैच कोलकाता में खेला गया। और चौथा स्टेटमेंट है विजय हजारे ट्रॉफी 2019 का खिताब महाराष्ट्र ने जीता। तो बताइए इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। पहला है हमारा बीसीसीआई पॉली उपरीगर अवार्ड 2018-19 से जसप्रीत बुमराह को सम्मानित किया गया है, यानी कि यह अवार्ड जसप्रीत बुमराह को मिला है। तो ये हाल ही का न्यूज है, 3-4 दिन पहले का। ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। बीसीसीआई की तरफ से जो दिया जाने वाला साल का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड में से एक है पॉली उपरीगर अवार्ड 2018-19 के लिए दिया गया है जसप्रीत बुमराह को, याद रखिएगा। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट आ जाता है खेलो इंडिया 2020 का आयोजन कहां किया जाएगा, ये आपका गुवाहाटी में किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तीसरा संस्करण होगा खेलो इंडिया का असम के गुवाहाटी में किया जाएगा, और कब से कब तक किया जाएगा इस बात को भी ध्यान रखिएगा, 10 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक किया जाएगा, ठीक। इसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है भारत का पहला डे नाइट टेस्ट मैच कोलकाता में खेला गया, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। बांग्लादेश के साथ में भारत जो है पहला पिंक बॉल यानी कि डे नाइट टेस्ट मैच बांग्लादेश के साथ में खेला, कहां खेला, कोलकाता में खेला, जिसमें भारत ने जीत दर्ज की थी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चौथा स्टेटमेंट है हमारा विजय हजारे ट्रॉफी 2019 का खिताब महाराष्ट्र ने जीता। विजय हजारे ट्रॉफी से रिलेटेड पीएससी के पेपर में आ चुका है, आई थिंक 2017 या 18 में, तो इसलिए विजय हजारे ट्रॉफी। और बीसीसीआई की तरफ से जो घरेलू क्रिकेट आयोजित किए जाते हैं जैसे रणजी ट्रॉफी हो गया, विजय ट्रॉफी हो गया, ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखना है। रणजी ट्रॉफी तो अभी आप लोगों को पता है चल ही रहा है, और छत्तीसगढ़ करंट अफेयर वाले में रणजी ट्रॉफी से रिलेटेड हमने वहां पर क्वेश्चन भी किया था, ठीक है। तो बताइए विजय हजारे ट्रॉफी 2019 का खिताब किसने जीता, तो ये महाराष्ट्र ने नहीं कर्नाटक ने जीता है। तो चौथा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे कि कौन सा आपका सही है, इसमें प्रश्न में आपसे पूछा गया था सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन की तरफ अगर बढ़ोगे तो ऑप्शन सी में देखोगे कि केवल 4, यानी कि चौथा स्टेटमेंट जो है वो सही सुमेलित नहीं है क्योंकि कर्नाटक ने जीता है, और बाकी स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर सही सुमेलित है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किस खेल को शामिल किए जाने का फैसला लिया गया है, महिला क्रिकेट, वॉलीबॉल, या फिर पैरा टेबल टेनिस, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन से खेल को शामिल किए जाने का फैसला लिया गया है। यह जो तीनों स्टेटमेंट है यानी कि तीनों ऑप्शन सही हो जाते हैं, यानी कि ऑल ऑफ द एबव जो है हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 2020 का जो आयोजन है कॉमनवेल्थ गेम्स का वो बर्मिंघम में किया जाएगा, और बर्मिंघम में किया जाएगा राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन, और निशानेबाजी अगर इसमें शामिल नहीं किया गया तो इसके जगह पे महिला क्रिकेट को, और उससे पहले वॉलीबॉल और पैरा टेबल टेनिस को भी शामिल किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द एबव, ध्यान रखिएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में थोड़ा सा बदलाव किया गया है और यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसीलिए इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बोला था कि कुछ मिसलेनियस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो इसको ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त पुरस्कारों में सत्य कथन है। स्टेटमेंट नंबर एक है सियोल शांति पुरस्कार 2018 यानी कि नरेंद्र मोदी को मिला है। स्टेटमेंट नंबर सेकंड है संयुक्त राष्ट्र चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018। तीसरा स्टेटमेंट है आमिर अब्दुल्ला खान अवार्ड अफगानिस्तान, और चौथा स्टेटमेंट है ऑर्डर ऑफ जायद यूएई। तो बताइए कौन सा इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त अवार्डों में सत्य कथन है। तो ये चारों के चारों जो अवार्ड हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए हैं, तो इस तरह से उपयुक्त सभी जो यहाँ पर है हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है। बहुत ध्यान से कर जाइएगा क्योंकि 2019 या फिर दिसंबर 2018 के आसपास में देख लोगे उससे लेकर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत सारे देशों का सर्वोच्च सम्मान भी मिला है, तो कुछ कुछ मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को समाहित किया है इसमें, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और 2019 में लास्ट अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो मिला है उसको भी मैं यहाँ पर आप लोगों को अपडेट करवा देता हूँ, उसको भी कर लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आपसे बनना चाहिए। उस अवार्ड का नाम है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, और ये दिया जाता है बिल एंड मेलिंडा
गेट्स फाउंडेशन की तरफ से, और इन्होंने स्वच्छता को लेकर स्वच्छ भारत मिशन जिस तरह से चलाया था उसी के लिए जो है गोलकीपर ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो लास्ट अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यही मिला था, तो ये भी कर जाइएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ से भी प्रश्न आपसे बन सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फीफा परिषद के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? फीफा काउंसिल में पहले ऐसे एक भारतीय हैं जिनको चुना गया है, उनका नाम आप लोगों को बताना है। ऑप्शन है आपके सामने अनुराग ठाकुर, प्रफुल्ल पटेल, अशोक चौहान या फिर राजीव शुक्ला। प्रफुल्ल पटेल को जो है फीफा परिषद की तरफ से सदस्य चुना गया है और ये पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्हें की फीफा काउंसिल में बतौर सदस्य नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कर जाइएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 के संदर्भ में सत्य कथन है। ठीक है, इस साल आप लोगों को पता है कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था, तो इससे रिलेटेड भी यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना बनता है। पहला स्टेटमेंट है यह विश्व कप का 12वां संस्करण था। दूसरा स्टेटमेंट है इसका आयोजन इंग्लैंड और आयरलैंड द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। तीसरा स्टेटमेंट है इसमें कुल 10 टीमों ने हिस्सा लिया। चौथा स्टेटमेंट है इंग्लैंड ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 का खिताब जीता। तो बताइए कौन कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट हमारा सही है। चलिए देखते हैं पहले स्टेटमेंट की तरफ, यह विश्व कप का 12वां संस्करण था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरे स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, इसका आयोजन इंग्लैंड और आयरलैंड द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। आयरलैंड नहीं बल्कि इंग्लैंड और वेल्स द्वारा इसका आयोजन जो है संयुक्त रूप से किया गया। तीसरा स्टेटमेंट कहता है इसमें कुल 10 टीमों ने हिस्सा लिया, ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाता है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के 12वें संस्करण में टोटल 10 टीमों ने हिस्सा लिया। और चौथा स्टेटमेंट कहता है इंग्लैंड ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 का खिताब जीता। न्यूजीलैंड को हराकर रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड ने यहाँ पर आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का 12वां संस्करण जीता है। आप लोगों के लिए यहाँ पर एक प्रश्न है कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसे मिला इस आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और टोटल यहाँ पर हालांकि क्वेश्चंस टफ बनाने का कोशिश नहीं किया गया है, स्टेटमेंट वाले आपसे क्वेश्चन इसलिए करवाए गए हैं ताकि आपका सारा पार्ट यहाँ पर कवर हो सके। तो इसलिए आप लोग जितने में से जितना सही करोगे लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में 20 दिन के अंदर 5 गोल्ड मेडल जीतने वाली हिमा दास किस राज्य की निवासी है? मस्ट इंपॉर्टेंट है, हिमा दास एथलेटिक्स हैं, भारत की रहने वाली हैं, भारत के किस राज्य की रहने वाली हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। जुलाई 2019 में इन्होंने लगातार 5 गोल्ड मेडल जीता था और 20 दिन के अंदर में जीता था, जो कि इन्होंने इतिहास भी रचा था। तो आप बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या फिर मिजोरम। तो हिमा दास जो है भारत के असम राज्य की रहने वाली है, तो याद रखिएगा हिमा दास से रिलेटेड अगर आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे बनना चाहिए और हिमा दास के बारे में भी आप लोग वहां पर ध्यान से क्वेश्चन करिएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा, हाल ही में कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्व का निधन हो गया, उनके संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। स्टेटमेंट एक है अरुण जेटली के सामने में दिया हुआ है डैश करके पूर्व वित्त मंत्री। स्टेटमेंट नंबर सेकंड शीला दीक्षित के सामने में दिया हुआ है दिल्ली की 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। गिरीश कर्नाड के सामने में दिया हुआ है अभिनेता रह चुके हैं और राम जेठमलानी के सामने में दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके हैं। तो बताइए कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्व का जो है इस साल 2019 में निधन हो चुका है, तो उनसे संबंधित यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं आपको बताना है। अरुण जेटली 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी थी तो उसमें वित्त मंत्री का प्रभार दिया गया था इनको, वित्त मंत्री इनको बनाया गया था। तो इस तरह से पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। और अरुण जेटली के बारे में एक और फैक्ट्स याद रखिएगा, इनकी याद में जो आपका फिरोज शाह कोटला दिल्ली वाला हुआ करता था वो अरुण जेटली स्टेडियम के नाम पर रख दिया गया था। तो इस बात को भी आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट था और उस समय बहुत न्यूज में भी रहा था, इसलिए ये बात भी याद रखिएगा। शीला दीक्षित 3 बार जो है लगातार वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो शीला दीक्षित के बारे में भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं और 81 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया जुलाई 2019 में। तो यहाँ पर शीला दीक्षित से संबंधित अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपसे बनना चाहिए। गिरीश कर्नाड साउथ के सुपरस्टार रह चुके हैं, अभिनेता हैं, लेखक हैं, फिल्म भी डायरेक्ट कर चुके हैं। और तो इस तरह से गिरीश कर्नाड से संबंधित भी यहाँ पर स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है।
राम जेठमलानी सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके हैं, ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील रह चुके हैं और बहुत ही प्रसिद्ध वकील रह चुके हैं राम जेठमलानी, जज नहीं वकील रह चुके हैं और इनकी उम्र जो है 95 वर्ष की उम्र में हो गई। तो इस तरह से चार महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में आप लोगों को यहाँ पर करके अच्छे से क्वेश्चन जाना है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, हमने नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के सीरीज में टोटल लगभग यहाँ पर 12 वीडियोस किए हैं और 12 वीडियोस में मैंने कोशिश किया है हर एक पार्ट को कवर करवाने का और इस 12 पार्ट में मैंने कोशिश किया है हर एक पार्ट को कवर करवाने का। एक वीडियो मैं आपको नेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड और दूंगा जो कि मैंने जो वीकली नेशनल करंट अफेयर वाला जो हमारा सीरीज चलता है उसमें जो मैंने लास्ट टाइम में करवाया था उस डेट से लेकर 15 जनवरी तक को मुझे अपडेट करवाना है, तो वो वीडियो आई थिंक मैं आप लोगों को मंडे तक वो अवेलेबल करवा दूंगा। तो एक वीडियो और नेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड करके चले जाइएगा। इसके अलावा अब जो मंडे से शेड्यूल चलेगा वो मैं जैसा बोला कि कल मैं आप लोगों को उसका शेड्यूल बता दूंगा और अब जो है हम करंट अफेयर पढ़ेंगे कब, आपका जब प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद अब हम लोग नया करंट अफेयर का सीरीज उस वक्त स्टार्ट करेंगे। तो ये एफटीआर सीरीज में आज का मेरा लास्ट लेक्चर था, एक वीकली करंट अफेयर का लेक्चर बस मेरा बचा हुआ है। तो आप लोगों को विश यू ऑल द बेस्ट और अच्छे से तैयारी कीजिएगा, और भी करंट अफेयर से रिलेटेड आसपास के क्वेश्चंस बनते हैं तो उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा और 15 जनवरी के बाद का करंट अफेयर मत पढ़िएगा। मैं फिर से आप लोगों को बोल रहा हूँ 15 जनवरी तक के करंट अफेयर को आप लोग अपडेट रखिएगा, इससे ज़्यादा आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो 31 दिसंबर तक काफ़ी होता है लेकिन रिस्क नहीं लेना है तो 15 जनवरी तक का पढ़कर जाइएगा और नेशनल करंट अफेयर में भी मैं 15 जनवरी तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को अपडेट करवा दूंगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, कल लाइव सेशन में मिलते हैं और मंडे से शेड्यूल किस प्रकार से होगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा और वहाँ पर टेस्ट सीरीज का अभ्यास करते रहिए। और उम्मीद करता हूँ अगर आप लोगों ने सही ईमानदारी से मेहनत किया है तो आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, थैंक यू। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।